हमारी मुलाकात आगरा शहर के एक ऐसे डांस मास्टर से हुई जो गरीब असहाय बच्चों के अंदर डांस की इच्छा व डांसिंग शो करने की इच्छा रखने वाले गरीब असहाय बच्चों के सपनों को साकार कर उन्हें एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, ताकि कोई गरीब पैसों की वजह से डांसिंग से वंचित न रहे। मास्टर देव राजपूत का कहना है कि वो बड़े बड़े शो करते हैं, जो बच्चे गरीबी की वजह से अपनी कला को मन के अंदर ही खत्म कर लेते हैं, उन्हें उनके द्वारा बड़े बड़े शो, बड़ी स्टेज मिल सकेंगी। मास्टर देव राजपूत एक डांस अकादमी चलाते हैं, वे गरीब असहाय बच्चों के लिए एक एनजीओ की स्थापना की है, जहां गरीब बच्चों को उभरते हुए कलाकार बनाने का काम करेंगे। ये गरीब बच्चों की व्यवस्था अपने स्वयं पे खर्चे पर करते हैं। नवबारा समाचार, आगरा उत्तर प्रदेश से राजीव कंचन की खास रिपोर्ट। असहाय गरीब बच्चों के लिए निशुल्क कैंप लगाया है, आइए देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। राजपूत जी, जी आप जो फ्री निशुल्क कैंप लगा के बच्चों को प्रतिभा आगे लेते हैं, उसके बारे में देखिए, हमने एक संस्था रजिस्टर करा रखी है जिसका नाम है सेलम स्टार वेलफेयर सोसाइटी। उसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गली बस्ती झुग्गी झोंपड़ी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास हुनर बहुत होता है लेकिन उनके पास सीखने के लिए पैसा नहीं होता। तो इसी को लेके मेरी मन में ख्याल आता था कि ऐसे बच्चों के लिए क्यों ना निशुल्क डांस क्लास खोली जाए और उनको निशुल्क मंचों पर पहुंचाए, क्योंकि आगरा में लोग डांस मंच तो हर कोई दे देता है लेकिन उनको सिखाएगा कौन। तो यहाँ संस्था दोनों काम करेगी, उनको सिखाएगी भी निःशुल्क और मंच भी निःशुल्क देगी। राजपूत जी, हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चों को, जैसे कि डांस इंडिया डांस जैसा प्रोग्राम चल रहा है, क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं आपके पास प्रतिभागी, वहाँ जा सकते हैं? जी बिल्कुल हैं, और हम लोग ट्राई भी करेंगे जब भी हम ऑडिशन आएंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे हुनर बच्चे भी हैं जो ऐसे बड़े बड़े रियलिटी शो में भी ट्राई करेंगे। अब जैसा कि आपने बताया अभी काम निःशुल्क चला रहे, इसके पीछे कोई फाइनेंशियल है आपके पास, खुद ही अपने खर्चे से करा रहे हैं? जी अभी तक मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और मैं खुद ही स्वयं अपने पॉकेट मनी से ये सब कर रहा हूँ बच्चों के लिए। अच्छा आप ये बताइए सर, जैसे कि आप अपनी ऑफिस किराए पे खोल रखी है और इसके बाद में प्राइवेट क्लास भी चलाते हैं? जी यही मेरी संस्था चलती है, यही जो गरीब बच्चे होते हैं यही वो डांस सीखते हैं, यही जो फीस वाले बच्चे आते हैं वो भी यही सीखते हैं, क्योंकि मैं किसी में भेदभाव नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सबको सेम डांस सिखाना चाहता हूँ, एक साथ सिखाना चाहता हूँ। अभी तक आपने कहाँ कहाँ क्लासेस चलाई हैं, कहाँ कहाँ प्रोग्राम कराए हैं आप? देखिए मैंने अभी तक ऐसे जो स्लम्स बच्चे हैं उनको कम से कम एक साल के अंदर 60-70 मंच दे चुका हूं, और वो भी आगरा ही नहीं, दिल्ली, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, ऐसे बहुत सारी जगहों में दूर दूर जाके उन बच्चों ने मंच प्राप्त किया है, और ना जाने कितने अवार्ड उन लोगों ने प्राप्त किए हैं। कितने बच्चे हैं अभी तक आपने इनको सिखाया है? अभी तक जैसे कि आप किस लेवल तक मतलब डांस में जा चुके हैं? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बॉम्बे लेवल और दिल्ली लेवल तक डांस किया हुआ, और उसके अलावा भी मैंने हरियाणा सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग वगैरह में भी काम किया हुआ है। तो आप जो है ये क्या कहते हैं, सिंगल डांस कराते हैं, ग्रुप डांस कराते हैं, जैसे ये आप अपनी भाषा में बताएं? जी मैं आपको बता सकता हूँ कि डांस भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें हम एक सिंगल सोलो डांस करते हैं, एक ग्रुप डांस होता है, एक ड्यूट डांस होता है, जिसमें हम लोग अभी ग्रुप